हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और इस टाइम बज रहे हैं दिन के एक। और आज हम आए हैं आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क घूमने के लिए, क्योंकि आज है संडे। और संडे के साथ साथ बाबू को घुमाने लाए हैं, प्लस मुझे अपना दूसरा ब्लॉग यानी कि दूसरा मेकअप वीडियो बनाना था, चैलेंजिंग पब्लिक प्लेस। तो संडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इसी वजह से हमने प्लानिंग की है। और आपको मेरे फेस पे इस टाइम कोई भी मेकअप नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र, हल्का सा लिप ग्लॉस और हेयर मैंने वॉश किया था, तो सिंदूर लगा के आई हूँ। और आप पब्लिक देखिए यहाँ पे, तो ये जगह ठीक है मेरे चैलेंजिंग मेकअप के लिए, इसी वजह से। चलिए देखते हैं कहाँ पर हम अपना वीडियो, यहाँ तो बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ तो बच्चे ज़्यादा हैं यार। उधर यहाँ ठीक आएगा रोशनी, यहाँ ठीक है। उधर देखूँ, उधर वहाँ पे बैठ के नहीं, क्लियर नहीं आ रही यार। क्लियर नहीं आ रही, यहीं ठीक आ रही है। तो चलिए ये ज़्यादा डिसाइड की है मैंने, ये सामान वहाँ तक दिखा बैठूंगी। बाबू का ऊपर वाला स्वेटर उतार दो, गर्मी है ना। बॉटल उधर रख लेती हूँ, पूनम देखी को देखना उसको। तो सबसे पहले मैं अपना चैलेंजिंग वीडियो क्लियर करूँगी, उसके आगे ब्लॉग बनाऊंगी एक मैं। तो मैं अपना सामान निकाल लेती हूँ सारा, स्टैंड छोटा वाला लेकर आई हूँ, मेरा वो वाला ट्राईपॉड टूट चुका है, तो ये मैंने मंगाया था दूसरा क्लब फैक्ट्री से, बट इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो गाइस हमारा मेकअप हो चुका है, और इसके बाद अब हम थोड़ा सा, मैंने कहा ब्लॉग भी बना लेती हूँ, और इसके बाद हम जा रहे हैं, थोड़ा सा चाय बना के लाई थी मैं घर से, तो वही अब हम जा रहे हैं चाय पास्ता यही सारी चीज़ें बना के लाए हैं, तो उसको करने जा रही हूँ। और मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी, ये देखिए। और ये झूला, बाबू कहाँ है सोनम? सोनम बस ब्लॉग बनाया, बहुत आज एंजॉय किया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मज़ा भी आया ब्लॉग बनाने में, और वैसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसी वजह से मैंने वीडियो ही बनाई। दूसरी बार पूरी कोशिश करूँगी पब्लिक प्लेस लाइव चैलेंज। कहाँ गई ये लोग? तो ये रहा हमारा ट्राईपॉड, चलिए अब इसको हम बंद बंद कर देते हैं। ये वाला क्लब फैक्ट्री से मंगाया था यार, इसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है। जो मेरा अमेजोन वाला था वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी। इसका जो ये स्टैंड है बिल्कुल लूज लूज सा है, कभी भी गिर सकता है। और जो मैंने एक और मंगाया जो मेरा घर में है, जिसमें मैंने लाइट मंगाई थी रिंग लाइट, तो वो इतना ज़्यादा हैवी है ना कि आप उसको ला नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा हैवी है। तो उसमें मेरी रिंग लाइट, जो मैं घर में मेकअप करती वो सारी चीज़ें फिट हैं, इस वजह से तो उसको बंद कर रही हूँ। चलो कहाँ है बोलो, बंद कर लूँ, बंद कर लूँ। आप लोग बोले थे दी उस दिन शादी में गए थे, तो ब्लॉग नहीं शेयर किया यार, ब्लॉग का कुछ कंफर्म नहीं था, थोड़ा बहुत ऐड किए, वीडियो बनाई हूँ तो जल्दी शेयर करूँगी, वो भी वाला ब्लॉग कर दूँगी, और कुछ घर की चीज़ें थी तो वो भी कर दूँगी।
तो चलिए, हमारा ट्राइपॉड हो गया है पैक और सारी चीज़ें हम ले लेते हैं अपनी, फिर चलते गार्डन की तरफ थोड़ा सा। हाँ तू सब थोड़ी ले लेगी, इतना भारी ला कुछ मुझे दे दे, तो कुछ चीज़ें मैं ले लेती हूँ, सामान है ले लो। तो चलिए अब हम चलते हैं, और ये मैंने लिया था अभी, मैं मॉल गई थी वहाँ से मैंने इसे लिया है। तो बस हमारा चैलेंजिंग वीडियो हो गया है, और ब्लॉग भी ऐड करना है तो ब्लॉग भी बना ही लेती हूँ, जब आई हूँ तो ना कहते ना फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए एक के साथ एक। ए यार तेरा मेकअप करना था, चलो उधर कर देना उधर। हाँ चल चल कर देना। तो यहाँ जब हम आए हैं तो हमने सोचा कि मैंने अपना चैलेंजिंग वीडियो किया ही है तो मैं अपनी सिस्टर का भी करूँगी, तो आई हूँ तो जाहिर से बात है 5 रुपए दिए हैं तो यार इतना तो बनते ही है, वसूल करना ही करना तो अपनी सिस्टर का भी कर दूँगी। हाँ यहीं चलो ना, हाँ यहीं पे चलते हैं। अरे यार ये जानते इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, और अभी बीच में हम लोग आए थे और उसी दिन उसी के बीच में साथ प्रिया दी भी आई हुई थी, उनका व्लॉग उसी के एक दो दिन बाद गया, प्रिया दी का व्लॉग उसी दिन के एक दो दिन बाद गया। यार इतना ज़्यादा हमको मुझे सदमा लगा यार, प्रिया दी आई थी यहाँ पर और घूम कर गई, मैं उनसे मिल नहीं पाई, और कई बार फिर मैंने उनको कॉमेंट भी किया था बट शायद उन्होंने देखा नहीं। ये हम लोग कहीं देखते हैं बैठने का इंतजाम करते हैं, उधर चले क्या, कहाँ भी इधर चलिए, इधर चलते हैं। ये यहाँ बिछाते हैं ना यहीं पे है ना धूप में, तो चलिए कहीं पर जुगाड़ लगाते हैं बैठने वाला। ए मुन्नी मैं पानी ला जाऊँ बाबू को दिया, कहाँ है वो लोग, बाबू है यहाँ, उन लोग उधर, यहाँ ठंडा लग रहा है तो धूप में बैठ गए ना, कहाँ बिछा है ऊपर, ऊपर बिछा रहे, हाँ ऊपर वहीं सही लग रहा है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यार, यहाँ 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 यहीं बिछा, उधर नहीं जा यार यही बिछा ना, ये पक्का कहाँ है किसने है वो चद्दर, छोड़ 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 छोड़। तो यहाँ पे डिसाइड हुई है जगह बैठने के लिए, यहीं पर हम बैठने जा रहे हैं। तो ये मैंने न्यू जूती ली थी, अभी मैं आप लोगों को कोई भी कलेक्शन नहीं दिखा पाई। उस अरे यार गिर जाएगा सोना, बोतल निकाल के बाहर रख लेना। ये देखिए हमारा पिकनिक का सामान, चादर लाई हूँ, चादर लाई हूँ, चटाई तो वहीं यहाँ भी सही है, बहुत ज्यादा उधर ना। तो ये देखिए बिस्तर लग रहा है, जा रहे हैं हम सोने सोने जा रहे, सोने सोए, चलो 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 भाई, चाय गरम चाय गरम चाय निकालो जल्दी से, ऑर्डर देते हैं चाय वाय पी लेते हैं फिर दूसरी वीडियो बनानी है। निकाल नियंती है इसको खोल के निकालना, हाँ क्योंकि उसके अंदर फंस जाता है तो साफ नहीं होता है पूरा खोल। धूप में आज मैंने हेयर वॉश किया है, सीरम भी नहीं लगाई आज यार, कुत्ते की तरह निकाल तो आज तो रहे हैं ठंडे हो जाएगी, ले तू ऐसे कर मेरा तो मैं निकाल लूँ, और नीचे चाय दिखा, हाँ मुझे दिखा, बैक कैमरा नहीं होगा बैक। तो चलिए अब हम चाय निकाल ले अपनी, यहाँ पिकनिक का मज़ा कुछ और ही होता है। तो गाइस यहाँ पर मैं सबके लिए चाय निकाल रही हूँ, तो थोड़ी सी मैंने कहा वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता दूँ, ऐसे आप लोग मेरी बातें सुन सुनकर पक गए होंगे, तो थोड़ी सी वॉइस ओवर भी कर देती हूँ। और सेम जिस दिन हम गए थे उसी दिन प्रिया दी भी गई थी, इत्तेफाकन हम मिलकर भी नहीं मिल पाए, और मेरी ख्वाहिश उनसे बहुत ही बड़ी वाली है, बहुत ही बड़ी वाली तमन्ना है मिलने की, और वो तमन्ना देखो कब पूरी होती है, ये होता है ना कि मिलकर भी इंसान नहीं मिल पाता जब तक किस्मत नहीं चाहती है,
कोशिश तो कर रही हूँ, बट देखते हैं कब उनसे मुलाकात होती है। अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ। उधर छाए में ठंड लगेगी ना। पानी खरीद तो ली थी, फिर भी क्यों मंगा? अपने टाइम में लेके आ जा। पानी खाते ना इतनी बड़ी बोतल। उसको पता नहीं कब में खरीदी। हम जा रहे हैं। चप्पल कहाँ गई? तुम खा रही थी तब आ जाती। वो खाई तुम तो आज दिखी नहीं। फ्रांस अब बैडमिंटन खेलना है। संतोष की चाय लेमन और गाइस यहाँ पर बाबू की मस्ती देखिए किस तरीके से ये नौटंकी करेगी। अभी आप देखिएगा बैडमिंटन को उठा कर लेकर जाएगी, टांग कर खेलेगी। बाबू बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और ये देखिए इसको उठाई है आप, टांगेगी और घूमेगी, काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जूती वगैरह निकाल कर फेंक दी थी, मतलब उसे गार्डन वगैरह जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, खुले में उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है खेलना, तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। और ये देख कर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि बाबू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर ये खुश है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ बाबू को घुमाने ले जाने की। गाइस ये रही हमारी चाय और घास, चाय चाय चाय। तो अब हम जा रहे हैं चाय पीने और बिस्किट वगैरह निकाल लेते हैं। तो ये लाए हैं बिस्किट वाले, चाट खाते हैं ना। चाट चाट खाएगी बिस्किट उसके साथ, चाय के साथ पहले चाट पी ली फिर खाना। तो और बिस्किट कहाँ गई यार? बिस्किट भी थी यार, बिस्किट कहाँ गई? तो चलिए अब हम चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। चाचा को अपनी जूती दिखा दो। सब हम जा रहे हैं पास्ता खाने के लिए और ये हमारा पास्ता स्टॉल में है ताकि गर्म रहे और थोड़ा थोड़ा खाने जा रहे। देखते हैं अभी क्या, तो खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। सारी चीजें आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो गाइस हम लोगों ने काफी ज्यादा इंजॉय किया और इस टाइम बज रहे हैं 4:30 होने वाले कि 4 बज रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं। और अब हम निकल रहे हैं, ब्लॉग में नहीं बना पाए क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक की वीडियो बनाने लगे थे इसी वजह से वाटर। तो बस अब निकल रहे हैं, छोटा सा ब्लॉग है जो आप लोगों के साथ में शेयर। कुछ टांगने वाला मुझे दे दे बोतल नहीं वाला, वाला है। बाबू कहाँ है? बाबू बाबू वाला। तो बस अब हम निकल रहे हैं। बोतल तो ले लो, मेरा फोन कहाँ है तुम जानो? मैंने किसी को थमाया था फोन, मुझको तो नहीं दी। अरे यार तुमने तीनों में से किसी को थमाया था? मुझे भी नहीं मिला। मैं तो मोजा पहन रही थी ना, अभी जब चादर उठाने लगी तो किसी को थमाई हूँ। फोन खो गया, फोन खो गया सोनम का। सोनम ने फोन उठा के चादर तह कर रही थी, किसी को दी और उसके बाद बोल रही मुझको दी, जो कि मैं अपना सैंडल पहन रही थी। और ये दोनों लड़ रही है, अभी फाइनल होगा कि किसने किसको फोन दिया था। सोनम बोल रही है कि पूनम को दी हूँ, पूनम बोल रही मुझे नहीं दी हूँ। और दिया था मैंने इसी के हाथ में। हाँ ये है लड़ाई, इतनी बड़ी लड़ाई। तो अभी चलते हैं मन्नी के पास। अच्छा और कुछ नहीं, अब फोन हाथ में आएगा तो पता चलेगा। और अब चल रहे हैं मन्नी लोग, आगे निकल गई हैं गेट के पास, तो पता चलेगा कि फोन किसने लिया है, तभी क्लियर हो पाएगा। और ब्लॉग का एंड हो रहा है। आज बहुत भीड़ है यार, लेकिन मज़ा बहुत आया। ला आगे से जाना पड़ेगा, कैसे करना है मुझे चलते हुए लेना है तुझे। बस स्टार्ट करूँ? बताना फूल आनी चाहिए और ढंग से आनी चाहिए। चल मतलब ना ले यार। हाँ तुमको फोन कौन? ये सोनम दी है। अब तुम जो कह रही थी पूनम को दियो। अब किसकी याददाश्त कमजोर है? इसकी दिया सोनम ने ना। हाँ कभी बोल रही मेरे को, कभी बोल रही पूनम को, बताओ। तो बस गाइस अब हम निकल रहे हैं, ब्लॉग का इन यहीं पे करती हूँ। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, ओके मिलते हो अच्छे से वीडियो के साथ।